मध्य प्रदेश ना डेप्यूटी सीएम राजेंद्र शुक्ला शुं कही रहा छे जो वीडियो। सर सीधी की जो घटना थी तो उसमें क्या कुछ कार्रवाई की? उसमें जो एम्बुलेंस सेवा वाले हैं उन पर भी कार्रवाई हुई है, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि टेलीफोन करने के बाद उनका रिस्पांस टाइम कैसा रहा, एम्बुलेंस समय से क्यों नहीं पहुंची। और दूसरा जो वहाँ के सीएमएचओ और सिविल सर्जन है उनको भी कारण बताओ नोटिस दिया गया है कि वो भी स्पष्टीकरण दें कि इस प्रकार की परिस्थिति क्यों निर्मित हुई है। सरकार बहुत संवेदनशील है, स्वास्थ्य सुविधाओं में लगातार वृद्धि कर रही है, डॉक्टरों की भर्ती भी हम कर रहे हैं, 33,000 लोगों की भर्ती कर रहे हैं, मशीनें उपलब्ध कराई जा रही हैं, भवन बनाए जा रहे हैं, उसके बाद इस प्रकार की यदि स्थिति आती है तो सरकार उसको किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं करेगी। सर ऐसी लापरवाही दोबारा ना हो उसको लेकर किस तरीके से? इस प्रकार की कार्रवाई जो कारण बताओ नोटिस दिया है उनका स्पष्टीकरण लिया जाएगा, फिर जो जरूरी कार्रवाई है वो होगी, और एम्बुलेंस सर्विस वालों पर भी पेनल्टी अधिरोपित की जाएगी, जैसे कि भविष्य में इस प्रकार की गलती करने की वो साहस न करें।